हाय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वी आर इंग्लिश एकेडमी। हम लोग द चेंज ऑफ असर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलते कैसे हैं, तो देखिए इसके कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। पहला रूल है विलोम शब्दों से पूर्व नॉट लगाकर। क्या लगाकर? विलोम शब्दों से पूर्व नॉट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे देखिए हमारा है सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, तो हमें क्या बनाना है, ये नेगेटिव बनाना है। तो ये हो जाएगा सीता इज नॉट, तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या है वो लगाना है, सीता इज नॉट एन, सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, सीता इज नॉट अ एन अगली गर्ल, सीता एक बदसूरत लड़की नहीं है। क्लियर है? तो ये इसका अर्थ नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, सीता एक सुंदर लड़की है, सो सीता एक बदसूरत लड़की नहीं है, तो ये हमारा नेगेटिव बन गया अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना? तो क्या समझे हम लोग, यानी कुछ वाक्यों के सेंटेंस शब्दों को हम अपोजिट यूज करके हम नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे ही लव्स ड्रिंकिंग, उसे पीना पसंद है, तो ही उसे पीने से घृणा नहीं है, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, वो है पीने से घृणा नहीं करता है। अगला देखो, आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर, तो हमें क्या करना है, इसका अपोजिट यूज करना है बस। आई वॉज नॉट, डाउटफुल का क्या होता है, श्योर, आई वॉज नॉट श्योर वेदर, बाकी सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं, वेदर ही वेंट देयर। ठीक है ना? अगला देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है, यानी जिनका हम लोग क्या नहीं कर सकते, अपोजिट वर्ड नहीं यूज कर सकते, वहां हम कैसे करेंगे। जैसे नंबर टू कह रहा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, क्या डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बदलकर, डिग्रियों को बदलना, यदि डिग्री कंपैरेटिव डिग्री है, कैसी है, कंपैरेटिव है, डिग्री है, तो अफर्मेटिव हो तो उसे नेगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, राम इज वाइजर देन मोहन, तो जब भी हम इसको नेगेटिव में चेंज करना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, यानी जो देन के बाद आया उसको सब्जेक्ट बनाना होगा, और ये कंपैरेटिव डिग्री में, और ये हमें कायम बदलनी पड़ेगी पॉजिटिव में, तो मोहन, टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, तो मोहन इज नॉट लगाएंगे, सो एज, पॉजिटिव डिग्री का तरीका क्या है, सो एज, मोहन इज नॉट सो वाइज, मोहन इज नॉट सो वाइज एज क्या, राम, मोहन इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि राम। ठीक है ना? तो ये हमारी काय में दे रखी है सुपर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और इसका जब हम नेगेटिव बनाना होगा तो इसे हम काय में बदलेंगे, पॉजिटिव डिग्री में, अदरवाइज नहीं बदला जाएगा। देखो आगे, इसी प्रकार पॉजिटिव वाक्य का अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी
यदि हमें पॉजिटिव डिग्री दे रखी है तो उसका नेगेटिव बनाना है, तो उसको हम कंपैरेटिव में बनाएंगे, और कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है तो उसका हम नेगेटिव पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं, याद रखना। तो ये सबसे पहले ये इसको लेंगे, लास्ट में सब्जेक्ट है उसको। तुम्हारा भाई उतना बुद्धिमान है जितने कि तुम। यू तुम के अनुसार क्या है? आर। अब इसमें नहीं नहीं है तो नॉट लगाएं, यू आर नॉट। फिर क्या लगाएंगे? सो। सॉरी, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बना रहे हैं नेगेटिव, और हमारा जो वाक्य दे रखा है किस फॉर्म में? पॉजिटिव में दे रखा है। पॉजिटिव फॉर्म मतलब पॉजिटिव डिग्री है, और इसको हमें अगर नेगेटिव में बदलना है तो इसको हम काय में बदलना पड़ेगा? कंपैरेटिव में। यू आर नॉट वाइजर, क्या हो जाएगा? वाइजर, आई आर जोड़ के बन जाता है यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर। ठीक है? नहीं आया समझ में? सबसे पहले जो जिनमें तुलना हो रही है तो जो सब्जेक्ट है उसको, जो ऑब्जेक्ट की तरह आया उसको पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट यू। फिर इसके यू के अनुसार क्या आता है? इज आर एम में आर आएगा। फिर नहीं नहीं है तो नॉट लगा दी। अब ये पॉजिटिव डिग्री है वाइज, तो वाइज की कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाती है? वाइजर। फिर क्या लगाते हैं कंपेरेटिव डिग्री में? देन लगाते हैं। फिर किससे तुलना हो रही है? योर ब्रदर से, तो ये देन योर ब्रदर। अगला देखिए रूल नंबर तीन क्या कह रहा है। रूल नंबर तीन कह रहा है जिन वाक्यों में क्या है? अलोन आए या ओनली शब्द आए, तो उन्हें हटाकर वाक्य के प्रारंभ में क्या लगा देते हैं? नन बट। क्या लगा देंगे? नन बट। देखो नेगेटिव, देखो इसका द प्राइज, अलोन अलोन आ रहा है या ओनली आए, तो नन बट। नन बट सोहन, कोई और नहीं, सोहन गॉट द प्राइज, केवल सोहन पुरस्कार जीता। ओनली आता है तो भी क्या लगाते हैं? नन बट। बट अ फूल, नन बट आ वुड हैव डन इट, कोई नहीं, केवल इस काम को मूर्ख कर सकता है। देखिए चौथे का फॉर्मेट क्या होगा? ये आएगा टू। क्या आएगा? टू के बाद आएगा एडजेक्टिव। क्या आएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आएगा इन्फिनेटिव। ठीक है, तो हम समझ गए इसमें क्या है, टू आया है। तो हम क्या करना है, इसका नेगेटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे नेगेटिव? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ही इज, जहां आपका ये टू आ रहा है टू की जगह लगा देंगे सो। क्या लगा देंगे यहां? सो। He is so weak. फिर इस टू की जगह क्या लगा? दैट। अब आपका ये इज आर एम है तो सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे ही। ही के अनुसार क्या आएगा प्रेजेंट में? कैन नॉट, कैन ओ टी। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट, फिर इसको जुड़ दो, रन। इतना कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकता है। आगे देखो, हर लव हैज बीन टू डीप टू बी फॉरगॉटन। तो हर लव हर लव
लाओ, फिर क्या आ जाएगा, हैज बीन। हर लव हैज बीन, सो डीप। हर लव हैज बीन सो डीप। क्या कर दैट इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन। ठीक है, हर लव हैज बीन सो डीप दैट इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, जब हमारा वाक्य काय से आरंभ हो, एज सून एज से आरंभ हो, तो नेगेटिव बनाने पर एज सून एज के स्थान पर क्या लग जाता है, नो सूनर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नो सूनर। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस के वर्ब को इंटरोगेटिव के रूप में बदल देते हैं। एज सून एज का क्या हो जाएगा, नो सूनर। ठीक नो सूनर पर क्या आएगा, डिड आई, डिड आई सी द टाइगर। टाइगर देन, नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रेन अवे। ठीक है, अगला देखो। अभी हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी लेकर आएंगे। डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। तो देखिए, आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल लाल किला देखा। तो कब देखा, पिछले साल। कैसे देखा, या फिर कहां से देखा, है ना। आई सॉ द रेड फोर्ट, तो आई हो जाएगा, आई डिड नॉट फेल, आई डिड नॉट फेल टू। ये याद रखना, इतना फ्रेज में जोड़ना पड़ेगा, आई डिड नॉट फेल टू सी आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करिए, आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे।